अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने भी चैनल बना लिया है, लोगो बना लिया है, बैनर बना लिया है, लेकिन आप लोगों ने चैनल की SEO सेटिंग नहीं की तो आपका चैनल रैंक नहीं करेगा, आपका चैनल सर्च में नहीं आने वाला, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो आप बिल्कुल भूल जाएं। तो अगर आपने SEO नहीं की हुई तो आज मैं आपको मुकम्मल SEO सिखाने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल से स्टार्ट किए हुए हैं तो चैनल किस तरह बनाना है वो वीडियो दी हुई है मैंने, और लोगो और बैनर किस तरह से बनाना है वो भी आप देख लें, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका चैनल कम्प्लीट जो है बन जाएगा। तो आज हम SEO की बात करेंगे, SEO किस तरह होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO जो होती है वो आपके चैनल को सर्च में लाती है और आपकी वीडियोस को भी सर्च में लाती है, लोगों को रिकमेंड करती है, आपके चैनल को रैंक देती है, रीच बढ़ती है आपके चैनल की। अगर आपने SEO नहीं की अपने चैनल की तो आपके चैनल का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा जो हमने चैनल बनाया था उसी की न्यू चैनल की SEO करके सिखाऊंगा। आप लोगों ने SEO किस तरह करनी है उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है यूट्यूब, यहाँ पे देखें studio.youtube.com, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर गो पे क्लिक कर देना है और जो है ये आपके पास ओपन हो के आ जाएगा यूट्यूब का स्टूडियो। एक तो स्टूडियो होता है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, वो अलग चीज़ होती है, जो इंटरनली सेटिंग्स होती हैं यूट्यूब चैनल की, जिससे हमारा चैनल सर्च में आता है वो यहाँ से होती है। मुकम्मल सेटिंग आज आपको सिखाऊंगा, तो आप लोगों ने ये सर्च कर लेना, आपका चैनल जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा आपने जो बनाया होगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको हर चीज़ यानी कि जो भी आप यहाँ से वहाँ से करते हैं अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ये आप चैनल देखिए हमारा वही है, और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो जो आ जाना है वो यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोग यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ पर अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी करेंसी क्या है, आपकी करेंसी US डॉलर जो सेट है वो सही है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर चैनल पर आ जाना है नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये कह रहे हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है। तो आप लोग जहाँ के भी रिहायशी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी कंट्री हो वो सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कीवर्ड्स लगाने, यानी कि आपके चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे आपने उल्टा सीधा हर तरह से लगा देना है। अपने चैनल की कैटेगरी आपकी टेक्नोलॉजी है तो आपने टेक लगा देना है, टेक्नोलॉजी वीडियोस इस तरह के। अगर आप वीलॉग करते हैं वीलॉगिंग लगा देना है, वीलॉग्स इस तरह। आपने जो भी आपकी कैटेगरी है फूड की है तो फूड्स लगा दें, रेसिपीज़ लगा दें, इस तरह के जो है आपने यहाँ पे कीवर्ड सेट करने, तो आपका चैनल सर्च में आएगा और वीडियोस भी चलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे चैनल का नाम है सबसे पहले वो लगा देता हूँ, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, सिर्फ ये इतनी। बहुत सारी इसकी सेटिंग्स हैं जो आप अगर नहीं करेंगे तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। ये मैंने एक लगा लिया, उसके बाद आप लोगों ने दूसरा फिर लगाना है, मतलब अपने चैनल के रिलेटेड आप कुछ भी लगाएं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आपने लगाने के बाद इसको जो है आपने कोमा देना है, कोमा नहीं देंगे तो आपका ये कीवर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको कोमा दे रहा हूँ तो ये मेरा कीवर्ड बनेगा, अगर आप कोमा नहीं देंगे तो आपका कीवर्ड ये नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है 8 से 10 अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स लगा दें अपने चैनल के, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आपको ये कह रहे हैं कि जो है ये चैनल आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं क्या ये चैनल किड्स के लिए यानी बच्चों के लिए, दूसरे ऑप्शन में आपको कहा जा रहा है कि ये बड़ों के लिए है, और तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आपका ये चैनल किसके लिए है। आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको ऑप्शन दें आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप बच्चों की वीडियोस भी बनाते हैं बड़ों की भी बनाते हैं, तो आपने ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सिर्फ बड़ों के लिए बनाते हैं तो आपने यहाँ पे सेकेंड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट नहीं करना, वरना कल को जब आपका चैनल मोनेटाइज होना है तो उसके बाद आपको अर्निंग कम होगी। उसके बाद यहाँ पे अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट, अगर कोई आपकी क्लिपिंग वगैरह करते तो आप उसको करने दें, सही है। उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड में आ जाएँ, फीचर एलिजिबिलिटी। फीचर एलिजिबिलिटी में यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फीचर्स हैं वो तो हमारा जो है एनेबल्ड हो चुका है, क्योंकि हमने चैनल बना लिया था जिसमें वीडियो अपलोड्स, प्लेलिस्ट क्रिएशन, सेटिंग कर ली थी, तो ये हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं, वीडियोस अपलोड करना, प्लेलिस्ट वगैरह बनाना। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड जो इंटरमीडिएट फीचर से, यहाँ पे आपने इसको नंबर के साथ यहाँ पे अपने वेरीफाई फ़ोन नंबर आपने नंबर लगा देना तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप 15 मिनट की वीडियो तक भी डाल सकते हैं, ठीक है। कस्टम थंबनेल, कस्टम थंबनेल क्या होता है, यानी कि जो आप थंबनेल डालते हैं वीडियो पे, आप लोगों ने कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो की स्टार्टिंग होती है कुछ लोगों की, नहीं वीडियो की स्टार्टिंग नहीं होती, वो एक अलग से इमेज बनती है। अगर आप लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप लोगों ने थंबनेल किस तरह बनाना है, कस्टम थंबनेल क्या होता है, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
उसके बाद यहाँ पे एडवांस फीचर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने जो है एक्सेस फीचर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा से सेटिंग में आ जाना है, और दोबारा से सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप देखें अपलोड डिफ़ॉल्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो है टाइटल लगाना है, यानी कि आप अगर आपकी वीडियोस का जो है लगभग सेम ही टाइटल होता है तो आप ऐड करें यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन, अगर आप अपनी हर वीडियो में एक ही डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, यानी अपने चैनल के रिलेटेड कुछ एक दो लाइन लिखना चाहें या जो है हैशटैग वगैरह अपने चैनल के नाम के लगाएं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वो आपकी हर वीडियो में खुद ही आ जाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं टाइटल आपको सजेस्ट नहीं करता, हर वीडियोस का डिफरेंट टाइटल होता है तो आप अपने हिसाब से उसी टाइम लगा लें। बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहें अपने चैनल के अकॉर्डिंग, यानी कि दिस चैनल इज़ अबाउट टेक्निकल सोल्यूशन, जो मैंने ये चैनल बनाया है, ठीक है, तो आप अपने आपका जो इस्लामिक है तो आप लिखें इस्लामिक है, वीलॉग वाला है तो व्लॉगिंग लिखें, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी है फूड वाला है फूड लिखें। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप हैशटैग्स लगाना चाहें, हैशटैग आपने अपने नाम के लगाने जो कि आप अपने हर वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे अपने नाम का लगा लेता हूँ, आप लोग भी अपने नाम के लगा सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी को हमने सिलेक्ट करना है, ना प्राइवेट ना पब्लिक, अनलिस्टेड सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो है हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन से आपने उसको पब्लिक नहीं करना होता है, कुछ देर जो है आपने उसको छोड़ना होता है ताकि यूट्यूब हमारी जो वीडियो उनके पास गई है उसको कंप्रेस ना करे। अगर आप जल्दी से उसको अपलोड कर देते हो, एक तो यूट्यूब को समझ नहीं आती और ऊपर से आपकी जो है वीडियो की क्वालिटी भी कंप्रेस हो जाती है, तो इसी वजह से आपने इसको जो है अनलिस्टेड रखना है पहले, उसके बाद इसको वीडियो को आप लोगों ने पब्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप उसी तरह टैग्स लगाना चाहें हर वीडियो में, जिस तरह अगर आप सेम टैग लगाते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से टैग ऐड करें, अपने चैनल का टैग ऐड करना चाहें अपने चैनल के रिलेटेड ऐड कर दें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी यही लिख देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कोमा दे देना है, फिर ये आपका टैग काउंट होगा, वरना ये टैग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है। एडवांस सेटिंग्स में आपको जो है यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ठीक है, तो मतलब कि आपकी वीडियो और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने क्रिएटर कॉमन्स एट्रिब्यूशन लगाते हैं तो आपकी वीडियो कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी आपकी वीडियो लगा सकता है, उसको किस तरह का कोई कम्युनिटी जो है गाइडलाइंस वगैरह का कोई ख़तरा नहीं होता है, आप जो है उसको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आपने स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस ले किया हुआ है तो सिर्फ आपकी वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई और कर सकता है तो आप उसको जो है स्ट्राइक भी उसको भेज सकते हैं आप। और अगर आपने वीडियो आप किस लैंग्वेज में बनाते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोग आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं, वीडियो में आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं उर्दू यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उर्दू सिलेक्ट करूँगा। आप लोग जो भी हिंदी पश्तो इंग्लिश जो भी आप जो है यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन आप किस ज़बान में लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ज़बान में लिखते हैं वो सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कैटेगरी आती है, अगर आपने कैटेगरी अगर नहीं सेलेक्ट की ना तो आपके चैनल में हो सकता है कोई इशू हो, ठीक है। आपने चैनल ज़रूर से कैटेगरी आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी है ताकि आप वीडियोस वगैरह डालें तो आपकी वीडियो रैंक पकड़े, यूट्यूब वालों को समझ आएगा किस कैटेगरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो भी आपकी कैटेगरी है वो लगा दें। तो मैं इस पे जो है मैंने चैनल बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर जो है टेक वगैरह की वीडियोज़ डालूंगा, तो मैं यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो भी वीलॉग वगैरह या एजुकेशन रिलेटेड जो भी सर्च करें यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी। कैप्शन सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये नॉन है अभी जो है, इस पे आप लोगों ने कर लेना है। दिस कंटेंट हैज़ नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन यूएसए, इन द यूएसए, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अलाउ ऑल कमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अलाउ ऑल कमेंट्स, यानी हर तरह का आपको कमेंट आए इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना है। होल्ड पोटेंशियली जो आपके पास सिलेक्टेड है इसको आपने सिलेक्ट करना है, और इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस इसको आपने सिलेक्ट करना है। बाकी ये जो दोनों हैं इनको भी नहीं करना है कि सारे कमेंट्स आएँ आपके पास आप उनको होल्ड, मतलब कि सबसे पहले आपके पास आएँ आप अप्रूव करें फिर आपके जो है चैनल पे दिखेंगे, या डिसेबल कमेंट्स आप चैनल पे चाहते ही नहीं हैं कमेंट्स तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन मैं इतना ही रखूँगा, मैं इन दोनों ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इसको। उसके बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है, और सेटिंग्स में यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन पे आ जाना है जो कि हमारे पास परमिशंस का परमिशन। अगर आप अपना मैनेजर वगैरह ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे लिंक वगैरह लगा के मतलब कि उनको दे सकते हैं, और उनसे जो है अपना चैनल वगैरह वो मतलब आपका हैंडल करें, तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन आ जाता है। कम्युनिटी जो है भाई यहाँ पर मैनेजिंग मॉडरेटर्स अगर आप करना चाहें तो वहाँ पर उनका जो है आप लोगों ने URL यहाँ पर जो है कॉपी करके लगाना है।
और अगर आप जो है अप्रूव्ड यूज़र्स यानी जो आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं और आपको उनके कमेंट सही लगते हैं, उनके आप यूआरएल लगाना चाहें कि उनको अप्रूव मतलब उनको रोका ना जाए, डायरेक्ट आपकी वीडियो पे उसी वक्त दिखें कमेंट्स, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हिडन यूज़र्स, हिडन यूज़र्स क्या होता है कि आप जिनको जो है ब्लॉक कर देते हैं जिनके कमेंट्स को या जिन यूज़र्स को, तो आपको यहाँ पे उनके यूआरएल दिख जाते हैं। अगर उनको वो आपसे बोलते हैं कि सॉरी भाई हम इस तरह नहीं करेंगे या जो भी उनका मैटर होता है वो रिजोल्व आप कर देते हैं, तो यहाँ से आप उनका यूआरएल हटा दें तो वो आपकी जो है अगेन फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे उनका पहले था। ब्लॉक्ड वर्ड्स, अब ब्लॉक्ड वर्ड्स कौन से लगाना चाहते हैं, मतलब कि आपको बैड कमेंट्स आते हैं या कोई गाली वगैरह गाली गलौज करता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो कीवर्ड्स लगाने हैं जो आपको नहीं चाहिए आपकी वीडियो पे, ठीक है। उस तरह के आपने यहाँ पे चंद कीवर्ड्स लगा देने जो आपकी वीडियो पे नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट्स पे आ जाएं, डिफ़ॉल्ट्स पे जो है ऑलरेडी सारी सेटिंग सेट है, आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करने दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, एग्रीमेंट पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने सेव कर लेना है और जो है हमारी सेटिंग ये मुकम्मल हो गई है चैनल की। सारी सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन, अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लोगों ने, वीडियोज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है आपकी वीडियोज़ पहले क्या शो हों, शॉर्ट शो हों कि जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो चैनल पर शो हों, या जो है आपकी पॉपुलर शो हों जो लेटेस्ट शो हो, या जो आपकी ओल्डेस्ट वीडियो है वो पहले शो हो, लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ब्रांडिंग आ जाती है, ब्रांडिंग यानी जो चैनल लोगों हमने लगाया था और बैनर लगाया था वो आपने अपलोड करना है, और वाटरमार्क अपना ऐड करना चाहें तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। बेसिक इन्फो पे आ जाते हैं, बेसिक इन्फो अभी जो हमने सारा कुछ ऐड किया है ये वही है, ठीक है। तो ये भी हमारी सेटिंग ऑलमोस्ट हुई हुई है, तो हमारे चैनल की जो मुकम्मल सेटिंग है वो हो चुकी है, जिसको SEO कहा जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे मोर टॉपिक्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, ओके बाय।